हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉन डॉबिन। आज के मैं इस वीडियो में माइंडट्री, टेक महिंद्रा, एसेंचर एंड इंफोसिस सबकी हायरिंग अपडेट आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। माइंडट्री ने इंटरव्यू रिजल्ट अनाउंस कर दी है, सो बिग अपडेट है। टेक महिंद्रा ने ऑफर लेटर लाइक सेंडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अभी जो लेटेस्ट हायरिंग थी टेक महिंद्रा की, एंड एसेंचर ने भी लाइक इंटरव्यू लेना तो स्टार्ट कर दिया है। बाकी मैं और डिटेल्स भी डिस्कस करूंगा, बहुत सारे क्वेरी है उसके रिलेटेड। इंफोसिस ने इंटरव्यू मेल स्टार्ट कर दिया सेंड करना, जो फर्स्ट इंटरव्यू डेट है वो 1 सितंबर है। सो इन डिटेल सब कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन चारों कंपनी की हायरिंग अपडेट पे। जो फर्स्ट हायरिंग अपडेट मैं बताऊँ वो माइंडट्री की तरफ से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। माइंडट्री ने एचआर मेल के लिए, एचआर इंटरव्यू के लिए मेल किया है, लाइक टेक्निकल इंटरव्यू की रिजल्ट अनाउंस हो गई है। सो कल स्टूडेंट ने टेक्निकल इंटरव्यू दिया था और आज उन्होंने एचआर इंटरव्यू के लिए उनको मेल आ गया है। कुछ स्टूडेंट ने आज ही टेक्निकल इंटरव्यू दिया है और उनको आज ही एचआर इंटरव्यू के लिए मेल आ गया है। लाइक उन्होंने 12 बजे करीब टेक्निकल इंटरव्यू दिया एंड 2 से 3 बजे उनको एचआर मेल आ गई है, जो कि कल है। सो 1 सितंबर को आप यहाँ देख सकते हो उनको लाइक एचआर मेल देना है। इन्होंने वहाँ पे लिखा है कि आपने क्लियर कर लिया है ऑनलाइन असेसमेंट एंड टेक्निकल इंटरव्यू एंड नाउ यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द एचआर इंटरव्यू। सो यहाँ पे मैं बता दूँ कि एचआर इंटरव्यू भी एलिमिनेशन राउंड है माइंडट्री की। सो आप लोग एचआर इंटरव्यू भी अच्छे से दे, आप लोग जैसे टेक्निकल इंटरव्यू के लिए हमारा आईएमटीएस इंटरव्यू वीडियो फॉलो किया था, सो सेम क्वेश्चंस वहीं से पूछे गए हैं इस बार भी स्टूडेंट को। सो प्लीज़ जिनका भी टेक्निकल इंटरव्यू है वो आईएमटीएस वीडियो फॉलो करें इंटरव्यू की, एंड एचआर इंटरव्यू के लिए भी वहीं से क्वेश्चंस आएंगे तो वही फॉलो करें एंड आप लोग कल उसे क्लियर कर लो। सो ये एलिमिनेशन राउंड है तो आप लोग को अच्छे से देना है, एंड कितना एलिमिनेशन राउंड है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट पे। सो कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ ओपनिंग कितनी है, बट लेस चांस है एचआर इंटरव्यू में रिजेक्शन के लिए। सो यहाँ पे लेस चांस है रिजेक्शन का, सो आप लोग अच्छे से जोर देना। एंड एक चीज और मैं बता दूँ कि किसी भी कारणवश अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो या फिर कोई टेक्निकल इशू आता है, वो ये चाहे वो टेक्निकल इंटरव्यू हो या फिर आपका एचआर इंटरव्यू हो, तो आप लोग लाइक क्विट कर देना या फिर आप लोग पैनिक मत करना, क्योंकि आपका फिर वो इन फ्यूचर रिशेड्यूल होगा। सो विद इन ए वीक आप लोग का रिशेड्यूल हो सकता है, या फिर हायरिंग के लास्ट में होगा, या फिर आपका कुछ दिन बाद भी हो सकता है, या फिर आपका इमीडिएट भी हो सकता है, लाइक आफ्टर 2 to 3 days या फिर 1 to 2 days, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लाइक ऑफिशियली मेंशन कर रखा है रिज्यूम में, आप यहाँ पढ़ सकते हो। सो मैं बोला कि आप लोग को जस्ट फॉलो करना है IMTS इंटरव्यू वीडियो। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे या फिर यूट्यूब पर भी सर्च करोगे राउंड रॉबिन IMTS इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो आपको मिल जाएगा माइंडट्री IMTS इंटरव्यू क्वेश्चंस, आप इसे देख सकते हो। सो सेम क्वेश्चंस यहीं से पूछे जा रहे हैं टेक्निकल इंटरव्यू में, एंड एचआर इंटरव्यू के भी क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे। कुछ स्टूडेंट का अभी भी असेसमेंट टेस्ट चल रहा है, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ने आज ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट दिया था। सो वहाँ पे बार बार कन्फ्यूजन आ रहा है लाइक ऑनलाइन असेसमेंट में क्या क्या है। सो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है एग्जाम पैटर्न, मैंने रिसेंट में भी वीडियो अपलोड किया था एग्जाम पैटर्न का। सो आप लोग को क्या करना है जस्ट कि उसमें एग्जाम पैटर्न की मैं एक बार फिर से आप लोग को क्लेरिफाई कर दूँ कि वहाँ पे आपके एप्टी रीजनिंग है एंड बिजनेस राइटिंग में आपको ऐसे लिखना है, कोई बिजनेस ईमेल राइटिंग नहीं है उसमें, ऐसे लिखना है 15 मिनट का है 200 वर्ड में, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सोशल मीडिया से रिलेटेड टॉपिक मिल रहा है। सो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंड इंग्लिश की मैं बात करूँ, इंग्लिश स्किल टेस्ट प्रोफिशिएंसी इंग्लिश स्किल टेस्ट की जो वीडियो है वहीं से सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो बहुत इजी है, केक वाक है आप लोग के लिए, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो क्वेश्चंस चेंज नहीं हुए हैं, सेम क्वेश्चंस इस बार भी पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत इजी है क्रैक करना। तो प्लीज़ इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट की वीडियो वॉच करें, फॉलो करें एंड एग्जाम को इजिली क्रैक करें। मैं ऑलरेडी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप इजिली प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर सर्च करके भी आपको मिल जाएगा इजिली। सो आई होप आप लोग को माइंडट्री के रिगार्डिंग कोई भी अब डाउट नहीं होगा, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हो या फिर इंग्लिश स्किल टेस्ट से रिलेटेड हो या फिर टेक्निकल इंटरव्यू हो या फिर एचआर इंटरव्यू हो। सो माइंडट्री ने बहुत ही जल्दी हायरिंग खत्म किया है, लाइक बहुत जल्दी हायरिंग कर रहा है। सो वन बाय वन आपका रिजल्ट अनाउंस होते जा रहा है। कुछ स्टूडेंट को अभी भी मेल नहीं आए होंगे रिगार्डिंग उनके कोई भी राउंड के, तो आपको मिल जाएगा वन बाय वन करता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट लाइक अपडेट है माइंडट्री की, सो माइंडट्री ने होल्ड मेल भी स्टार्ट कर दिया है भेजना। सो डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आवर कैंपस हायरिंग प्रोसेस। सो यहाँ पर उन्होंने जस्ट इतना बोला है कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट जो है वो 9 सितंबर से पहले आएगा या फिर 9 सितंबर को आएगा। सो ऐसा करके ऐसा मेल क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि लाइक वो ये देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट का थोड़ा कट ऑफ कम है या फिर जिनका स्कोर कम है उन स्टूडेंट को होल्ड पर रखा गया है। अगर उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट, तो फिर इन स्टूडेंट लोग को वो लोग रिजेक्ट कर देंगे या फिर इन लोग को होल्ड पर रखेंगे, इन नेक्स्ट हायरिंग में उनको इंटरव्यू करेंगे।
सो ऐसा माइंड ट्री करती है कि अभी उनको होल्ड पे डाल देते हैं, नेक्स्ट टाइम में उनका इंटरव्यू करते हैं। बट अगर उनका रिक्वायरमेंट रह ही जाता है, अगर उनका जो भी इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है उसमें अगर ज़्यादा स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फिर जो स्टूडेंट को होल्ड मिला है उन लोगों को 9 सितंबर से पहले रिजल्ट दे के उनका टेक्निकल इंटरव्यू करवाएंगे। सो इस होल्ड मिल का यही सेंस है। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग को मौका मिलेगा, अगर अब की नहीं मौका मिला 9 सितंबर तक इंटरव्यू देने का, तो इन फ्यूचर नेक्स्ट हायरिंग में ज़रूर मिलेगा, ऐसा माइंड ट्री करता आया है। सो आई होप आप लोग को माइंड ट्री से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी राउंड से रिलेटेड एंड किसी भी क्वेरी से रिलेटेड। जो नेक्स्ट अपडेट मैं बोलूँ वो टेक महिंद्रा कंपनी की तरफ से आ रही है। टेक महिंद्रा ने ऑलरेडी ऑफर मेल लाइक भेजना स्टार्ट कर दिया। ऑफर मेल इसको नहीं बोल सकते, ये लाइक डॉक्यूमेंट्स मेल है। सो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है ऑफर से पहले। सो टेक महिंद्रा ने मेल किया है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो एक पीडीएफ में आप लोग को सबमिट करके देना है, 10th मार्कशीट 12th मार्कशीट एंड आपके बीटेक के लाइक प्रोविजनल या फिर मार्कशीट जो भी आपके पास, एंड एक आपका गवर्नमेंट आईटी प्रूफ। सो ये आपको एक पीडीएफ में देना है, ये आप सेंड करते हो टेक महिंद्रा को, तो फिर आपका वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आफ्टर वो आपका ऑफर रिलीज करते हैं। सो उस ऑफर में आपको इस बार फुल टाइम ऑफर मिल रहा है, कोई इंटर्नशिप का ऑफर नहीं मिल रहा है, एंड आपको स्टाइपेंड भी मिलेगी 15,000, मैंने पहले भी बताया है। सो टेक महिंद्रा ने यहाँ पे अपना रूल चेंज किया है। सो यहाँ पे आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं है, अगर आपने सिर्फ सेकंड राउंड दे दिया है तो देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेल आएगी, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, या फिर आपको ऑफर की डायरेक्ट मेल आएगी। सो यहाँ पे कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं है, सो मैंने पहले भी बोल रखा है। सो ये स्टूडेंट ने कल राउंड टू दिया था, एंड आज उसको मेल ऐसा आया है रात के 8 बजे कि आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की आपकी मेल है, लाइक उनका सेकंड राउंड क्लियर हो गया। सो टेक महिंद्रा ने भी रिजल्ट अनाउंस कर दिए। सो एंड बहुत सारे स्टूडेंट का भी लाइक राउंड टू है, सो उस पर मैं बात करूँ वहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। फर्स्ट मैं बोलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा मेल आया था मोहित जायसवाल की तरफ से कि आपका नॉन एसडी टेक हायरिंग है, 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में आपको देना है, बट इसको टेक महिंद्रा ने ऑफिशियली मेल करके एक दिन का एक्सटेंड कर दिया है। सो वो मैं मेल दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपका एक दिन एक्सटेंड हो गया है। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 2 सितंबर से पहले आप दे सकते हो, सो 2 सितंबर तक आपका एक्टिव रहेगा। सो दोनों लिंक सेम है, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया है, सो ये मेल थोड़ा लेट से आया है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये मेल आए थे मोहित सर वाला, तो उन्होंने यहाँ से टेस्ट दे दिया, यहाँ भी लिंक है एग्ज़ाम की, सो फिर यहाँ से टेस्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया है, फिर उनको ऑफिशियल मेल आता है टेक महिंद्रा की तरफ से ऐसा, तो आपको ऐसा नहीं है फिर से टेस्ट देना है। अगर आपने फर्स्ट ऑलरेडी टेस्ट कंप्लीट कर दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर से टेस्ट देने की, दोनों लिंक सेम है। सो आप लोग के पास एक दिन एक्स्ट्रा टाइम आया है, सो आप लोग इसको एज सुन एज पॉसिबल दे दो, उतना बेटर रहेगा। सो यहाँ पे दो राउंड है आपका, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट में वेबकैम नहीं है एंड एलिमिनेशन राउंड भी नहीं है। कॉग्निटिव एंड टेक्निकल टेस्ट में आपका कोडिंग राउंड है एंड 12 सेक्शन है बेसिकली। सो 1 कोडिंग राउंड है, 11 सेक्शन अलग है। सो 1 to 5 सेक्शन आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग है, 6 सेक्शन आपका कोडिंग है, एंड 7 to 12 सेक्शन आपका MCQ बेस्ड टेक्निकल क्वेश्चन है रिलेटेड टू सूडो कोड, DBMS, यूनिक्स, लिनक्स एंड एल्गोडियस, SQL, इस सबसे रिलेटेड। सो वो आपका एलिमिनेशन राउंड है एंड उसको अच्छे से करो, इतना ही मैं बोलूँगा। और वेबकैम आपका एक्टिव है। सो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट राउंड है, इसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेल आ जाएगी, ऑफर मेल आ जाएगी सेकंड राउंड के बाद। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोगों को कोई डाउट है तो आप जाके चेक कर सकते हो। एंड ये तो बात रही टेक महिंद्रा की एंड माइंड्री की ख़त्म हो गई बात। सो आई होप आप लोग को कोई भी अब डाउट नहीं होगा। एंड मैं एसेंचर की बात करूँ तो एसेंचर की बहुत सारे स्टूडेंट का कम्युनिकेशन मेल के बाद, कम्युनिकेशन राउंड के बाद उनको कोई भी इंटरव्यू मेल नहीं आई है, तो मैं ये बोल दूँ कि कम्युनिकेशन जिनका भी हुआ है एसेंचर में उनको इंटरव्यू मेल डेफिनेटली आएगा। सो मोस्ट प्रॉब्ली विद इन वीक आता है, लेकिन आप लोग का लाइक 1 to 2 वीक के बाद भी आ सकता है। सो वो डिपेंड करता है कि अभी एचआर टीम लाइक कितने का इंटरव्यू कर रहे हैं, वो जब भी फ्री होंगे तो 1 by 1 वो लोग शेड्यूल करते हैं। सो ये भी है कि अभी एसेंचर की भी अप्लाई लिंक एक्टिव है, सो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मैंने एसेंचर की जो वीडियो बनाई थी 4 वीक एगो, सो वहाँ से भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो, या फिर मैंने रिसेंट वीडियो में भी एसेंचर की अप्लाई लिंक पोस्ट कर दी थी, सो आप वहाँ से भी अप्लाई लिंक है, ऐप एक्टिव है, आप अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे 1 by 1 वो लोग अपडेट कर रहे हैं। सो बहुत सारे जिनका भी कम्युनिकेशन राउंड हो गया उनको इंटरव्यू मेल आएगी। एंड नेक्स्ट मैं बोलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट का भी लाइक असेसमेंट टेस्ट ही हो रहा है, तो आप लोग असेसमेंट टेस्ट दो, कॉग्निटिव दो, फिर आप कॉग्निटिव क्लियर करते हो तो कोडिंग दो। कोडिंग के लाइक 2 to 3 days बाद 4 days बाद आपका कम्युनिकेशन राउंड हो जाता है, कम्युनिकेशन राउंड के विद इन वीक बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू हो गया है, सो वो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट 10 days के अंदर आता है। सो 1 week to 10 days के अंदर, सो 7 to 10 days के अंदर आप लोग का
अप्रॉक्स आपका रिजल्ट आएगा इंटरव्यू की, एसेंचर इंटरव्यू की। लास्ट अपडेट दो, मैं इन्फोसिस की बात करूँ तो इन्फोसिस का 1 सितंबर से इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।